वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज, जैसा हम समावेशी शिक्षा का भाग 3 लेने जा रहे हैं, तो इसमें हम ले रहे हैं गाइज समस्यात्मक बालक। यह हमारा टॉपिक है समस्यात्मक बालक, ऐसे हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, मतलब वह बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से पैदा करते हैं क्या प्रॉब्लम। तो एक बार सुनते हैं गाइज, क्या है समस्यात्मक बच्चे, किन्हें हम कहेंगे। तो देखना, एक रदरफोर्ड की डेफिनेशन है, समस्यात्मक बालकों में वे बालक आते हैं जो सामान्य कक्षा को चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब जिनकी वजह से सामान्य कक्षा चलाने में बाधा आती है, ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं दोस्त, समस्यात्मक बालक। तो एक बार चलते हैं, कम कौन से बालक हैं। पहला, चोरी करने वाले बालक। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत होती है। सामने वाले बच्चे ने कहा, अरे सर इसने मेरी किताब चुरा ली, इसने मेरी पेन चुरा ली। तो अपने को कक्षा पढ़ाते वो दिमाग थोड़ा डेविएट होता है, तो ऐसे बालकों को हम क्या बोलते हैं, चोरी करने वाले बालक। दूसरा, प्रतिभाशाली बालक। आप एक बार चौंक जाएंगे जानकर, आप सोच रहे होंगे प्रतिभाशाली बालक कैसे समस्यात्मक बालक होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, पर आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, प्रतिभाशाली बालक पढ़ने में बहुत ही तेज होता है। अब होता क्या है मेरे दोस्त, वह पढ़ रहा है, उसने एक सवाल को दिमाग से तेज है फटाक से 2 मिनट में सॉल्व कर लिया। अब बेचारा एक मंदबुद्धि बच्चा पिछले 15 मिनट से उसी सवाल को लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या यार अभी 15 मिनट से सवाल लगा रहा है। तो मतलब वो देखता है, अरे यार मतलब गुदगुदी कर रहा है, किसी की चुटकी ले रहा है, मतलब अगर उसको बिजी नहीं रखा गया तो प्रतिभाशाली बालक समस्यात्मक बालक बन सकता है, आप समझ सकते हैं। अगला क्या है, अति सक्रिय बालक। ये बालक बहुत देखे जाते हैं गाइस, हमने आपने बचपन में बहुत देखा होगा, नाखून चबाते रहते हैं। आप रोकोगे हाथ ऐसे कपा रहा है, आप बोलोगे हाथ रोको, नहीं रोक पाएगा। उसकी बॉडी बहुत तेज चलती है, माइंड बहुत स्लो चलता है, या माइंड बहुत तेज चलता है बॉडी, मतलब कभी कभी कहने करते हैं बोल गया पर हाथ से इशारा नहीं कर पाया, मतलब बॉडी और माइंड में सही कॉम्बिनेशन नहीं होता। कुछ ना कुछ हमेशा नाखून चबाता रहेगा, कोई कागज़ फाड़ता रहेगा, कोई चीज़ पाएगा मरोड़ता रहेगा, किसी को चुटकी करता रहेगा, किसी को गुदगुद, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होता है। इसे हम ओवर सेंसिटिव आपके सक्रिय बालक कहते हैं, हम इस पर बात करेंगे। झूठ बोलने वाले बालक, झूठ बोलना, गृह कार्य नहीं करके आए हैं, झूठ बोलने वाले बालक, या फिर कैसे बालक, हिंसा करने वाले बालक। तो चलते हैं, ऐसे बालकों को कैसे शिक्षा दें और उनको सुधारने का क्या उपाय है, यह हम देखेंगे कैसे। रजत, तो इसको हम देखेंगे रजत, तो हम फोकस करना, 5 मिनट रुक। तो आप देखते हैं चोरी करने वाले बालकों को हम कैसे सुधारेंगे। पहली बात ये जानिए गाइस कि चोरी करने का कोई ना कोई तो कारण होगा। 2 मिनट फोकस कीजिए। चोरी करने वाले बालकों को हम कैसे सुधारेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे चोरी करने का कोई तो कारण होगा। तो पहले चोरी करने वाले कारण का पता लगाएं, क्या पता घर में कोई कमी हो या माता पिता का भी बैकग्राउंड खराब हो, तो एक बार चोरी के कारण का पता लगाएं। दूसरा, जरूरत। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती इसलिए वह चोरी करना शुरू कर देता है, इसलिए हो सके तो ज़रूरतों को पूरी करें। तीसरा, न्यूनतम, मतलब ये नहीं गाइस एकदम नहीं, उसको थोड़ा पैसा दीजिए रोज, मैं नहीं कह रहा हूँ धुआंधार नोट बांटिए, पर थोड़ा पैसा उसको आप जरूर दीजिए। अगला, अधिक पैसे देकर आदत ना बिगाड़े। देखिए इसका उल्टा भी आपको सोचना पड़ेगा, नहीं कि आप रोज उसको 50 रुपये का नोट दे रहे हो, बच्चे की आदत खराब होती जा रही है, एक दिन वह बेचारा क्या करता है, चोरी करने लगता है। तीसरा, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जरूर जाने। कई बार मैंने आपको अभी भी ऊपर बोला कि कई बार बच्चा इसलिए चोरी करता है उसकी फैमिली के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा होता है। और अगला दोस्त, चोर का तमगा न दें। एक छोटी सी चोरी के लिए बच्चे को क्लास में चोर चोर मत कहवाएं। कहा एक कहावत है आपने सुना होगा, बद अच्छा बदनाम बुरा। सोचो एक आदमी चोर हो एक बार चलेगा, पर सोचो अगर किसी आदमी चोर न हो और उसका नाम चोर हो कैसा लगेगा, आपको हंसी आ गया, बहुत मजाकिया स्थिति बन जाएगी। इसलिए छोटी सी गलती के लिए बच्चे को चोर चोर ना कहें। और हम अब दूसरा लेंगे रजत, दूसरा लेंगे प्लीज फोकस। प्रतिभाशाली बालक, मैंने अभी आपको बोला फटाक से 2 मिनट में सवाल लगाएगा, एकदम फ्री होके बैठा है,
बगल वाले को चुटकी काट रहा है, क्या भाई अभी तक लगा रहा है यार, हम बेचारा मंदबुद्धि वाला है धीरे धीरे लगा रहा है। तो इनको कक्षा में अन्य बच्चों से चुनौतीपूर्ण कार्य दे, मतलब ये चुनौतीपूर्ण कार्य दोगे इसको लगेगा नहीं यार मैं बुद्धिमान आदमी हूँ मुझे मुश्किल काम मिला है। दूसरा, इन्हें व्यस्त रखें, मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रतिभा दिखाने का मौका दे, कोई मुश्किल सवाल आइए आप बताइए क्लास में, इसको हमेशा कुछ बिजी रखें। अति सक्रिय गलत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे टूट जाता है समावेशी शिक्षा का रूल। कहने का अर्थ मेरे दोस्त क्या है, यह फिर से बोल रहा हूँ, हाथ ऐसे हिलाता रहेगा, बोलोगे हाथ रोको वो रोक ही नहीं पाएगा, ऐसे हाथ हिलता रहेगा। पहले ही बता चुका हूँ, बॉडी और माइंड में कॉम्बिनेशन नहीं होता, नाखून ऐसे चबाता रहेगा। आप बोलोगे कक्षा में आगे बैठा दोगे, आप टीचर हो, आप इधर लिखने आए हो, अचानक क्या करेगा, बगल वाले बच्चे को चुटकी कर देता है, क्योंकि उसका काम ही है ओवर सेंसिटिव है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है गाइस, बीमारी नहीं है, एक प्रकार का विकार है, इसको कुछ काम जरूर दे, थोड़ा समावेशी मत सोचो, बच्चे से श्रम कराना गलत है। पर अति सक्रिय बालक इसका अपवाद है, बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अगला क्या है, इनको सक्रिय रखें, जैसे श्यामपट्ट साहब को, मतलब इसको काम देना ही इसका समस्या का हल है, इसको क्या करें, जैसे श्यामपट्ट साफ करवाएं, बागवानी कराएं, मतलब इसको कोई काम देकर इसको बिजी रखें, इसकी अत्यंत ज़्यादा सक्रिय बॉडी को कोई ना कोई काम देकर थकाएं। अगला, इन्हें खेलों के द्वारा, योगा इत्यादि के द्वारा बॉडी पर काबू करना सिखाएं। हाँ, और अगला आएगा, तीसरा नेक्स्ट आएगा, झूठ बोलने वाले बालक। तो भाई देखो, झूठ आदमी क्यों बोलता है, बच्चा गृह कार्य करके नहीं आया है, बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई मैं अपनी कॉपी भूल गया, जबकि वास्तव में उसने काम ही नहीं किया है। आपने देखा होगा निचली कक्षाओं में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, नहीं सर पापा नहीं थे, फीस नहीं लाया, आज मम्मी नहीं थी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, फला बीमार थे। तो सबसे पहले तो इसको बोले झूठ बोलने का कारण पता लगाएं, क्यों झूठ बोल रहा है। दूसरा, यह बताएं कि झूठ बोलने से सच्चाई चेंज नहीं हो जाती, मतलब अगर तुम झूठ बोलोगे एक दिन झूठ बोलना ही तुम्हारी आदत हो जाएगी, और झूठ बोलने से हकीकत में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ये बताओ कि अगर आप झूठ बोलोगे आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, झूठ बोलने से आपको कोई लाभ होने वाला है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि झूठ बोलने से लोग आपको नापसंद करेंगे, आप पे लोग विश्वास खो देंगे, यह सारी चीज़ें भी आप उसे बताइए। और लास्ट में क्या है, हिंसा करने वाले बालक, किसी बात में आपने देखा होगा बच्चे को मार देता है, मारपीट कर लेता है, तो ऐसे बालक में आएंगे जैसे हिंसा करने वाले बालक, इन्हें नैतिकता, सबसे पहले तो आप इन्हें बताओ कि हिंसा करना गलत है, किसी आदमी को सताना गलत है, इनको नैतिकता और शांति का पाठ पढ़ाएं, समझाएं। दूसरा क्या है, इन्हें बताएं कि हिंसा, उनको बताइए कि झगड़ा किसी भी बात का हल नहीं है, आप सामने वाले को मारोगे फिर वो गुस्से में आपको मारेगा, हिंसा से कोई बात आराम से बैठ कर समझ कर बात का कंप्रोमाइज़ किया जाता है, हिंसा से कोई भी बात हल नहीं होती। तीसरा, आप इन्हें बताएं हिंसा, देखिए गाइस कई बार हिंसा, ऐसे ही बच्चा अचानक हिंसा नहीं करता, कई बार या फैमिली से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक बार पहली बात तो इनके माता पिता से प्लीज़ एक बार बात करें, भाई आपका बच्चा इतना हिंसा क्यों करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनको एक बार सूचित करें। और अंत में गाइस, आजकल आपने देखा होगा दिल्ली का वो प्रद्युम्न वाला केस, आजकल छोटे बच्चों कभी कभी हथियार भी लेके आ जाते हैं, चाकू वाकू लेके, देखिए गाइस बहुत रेयर केस में होता है, पर बता रहा हूँ होता है तभी बता रहा हूँ। अंत में कोई रास्ता ना बचे, जब सब कंट्रोल, तो लास्ट में आपके पास एक और रास्ता है, आप बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जिसे बाल अदालत में ले जाना या बाल सुधार गृह भी हम उसको भेज सकते हैं। तो गाइस यह तरीका था समस्यात्मक बालकों को शिक्षित करने का। प्लीज़ कमेंट करिए आपको यह लेक्चर कैसा लगा, विद दिस आरपी मिश्रा कॉलेज। थैंक यू।